आज की जो बैठक हुई है में हुआ बैठक निश्चित रूप से बैठक में निर्णय लिया गया है कि 23 तारीख के दिन यानी परसों हम लोग जो है बीएसएससी आयोग जाएंगे वहां पर ऑफिस और ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन के माध्यम से ये पूछेंगे कि परीक्षा रद्द की एक पालिका दो अधिक पालिका रद्द क्यों नहीं किए, तो निश्चित रूप से हम लोग उनको 7 दिन का अल्टीमेटम देंगे कि 7 दिन में आप एक निर्णय लीजिए कि छात्रों की जो मांग है वो जायज है तो अभी तक आपने फैसला क्यों नहीं लिया। 30 तारीख के दिन हम लोग जो है वो अगर हम लोग की बात नहीं मानी जाती है 30 तारीख तक, तो 30 तारीख के बाद हम लोग जो है गर्दनीबाग जो धरना स्थल पहले सरकार द्वारा तय है धरना स्थल पर हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन स्थल पर जाएंगे और 30 तारीख के दिन ही हम लोग बीएसएससी ऑफिस को छात्र जाएंगे और अपनी बात को सरकार पूछेंगे कि अभी तक नहीं हुआ और हम लोगों का जो फैसला है वो कि 30 तारीख के दिन से हम लोग आंदोलन पर गर्दनीबाग जो धरना स्थल है वहां पर हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन स्थल पर जाएंगे, यही हम लोग का फैसला है। निश्चित रूप से संगम जी अनूप जी सब लोग यहाँ कमेटी के जितने भी लोग हैं लालू चाहे और भी डौली जी हैं सुजीत हैं सब लोग का फैसला यही है और अंतिम रूप से जो फैसला है ये सर्वमान्य फैसला है। देख पा रहे होंगे कि छात्रों की तरफ से तिथि घोषित कर दी गई है 23 जनवरी को ज्ञापन सौंपने बीएसएससी ऑफिस जाएंगे और फिर अगर 7 दिन का समय दिया जाएगा बीएसएससी ऑफिस को, यदि 7 दिन में भी बीएसएससी बात नहीं मानती है तो 30 तारीख को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे गर्दनीबाग स्थल पे। ये अपडेट आ रही है, अभी आप देख पा रहे होंगे छात्र नेता की तरफ से जो 11 लोग जो है उनके नाम है, अनूप त्रिपाठी जी है, 11 लोगों की सूची बनाई गई है, विकास जी है यहाँ पर नाम लोग सुन रहे हैं, सुमन यादव जी है, नीरज जी आगे हैं, डॉली जी किधर गए, हाँ डॉली जी है, शाश्वत जी है यहीं पर है, शाश्वत जी हाथ उठाइए, कमेटी के लोग प्रवीण जी है, हाँ प्रवीण जी है और एक सुजीत कुमार है, ठीक है सुनील कुमार, इतने सारे लोग कमेटी में जो निर्णय लेंगे यही निर्णय सर्वमान्य होगा। यदि निकले एक बार अनाउंसमेंट करते हुए निकले, इससे इम्पैक्ट यह पड़ेगा जो भी स्टूडेंट सोया हुआ है कहीं पर भी है, यदि उसके कान में आवाज जाएगी वो लड़का जा रहा है तो इससे जो है मैक्सिमम स्टूडेंट जो आधा अधूरा मन बनाए हुए होंगे वो भी जुड़ेंगे आपके साथ, नहीं जुड़ेंगे तो सोशल मीडिया हर तरह से कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा और ये आंदोलन का फायदा ये होगा आप लोग दूसरे भी स्टूडेंट चाहे बीएसएससी को हो या ना हो, हम 23 तारीख में फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था तो वो फर्स्ट इम्प्रेशन ये पड़ेगा आगे वाले आगे एग्जाम जैसे कोर्ट वाला उसमें भी धांधली का सुगुघाट होने लगी है, यदि ये बंद हो जाएगा कैंसिल हो गया तो चीटिंग करने वाले का जो हौसला टूटेगा और पारदर्शिता आएगी।